अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार के अररिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.23 मापी गई तीव्रता। म्यांमार में आम नागरिकों पर सेना ने किया हवाई हमला, हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत, यूएन ने की निंदा। सोनिया गांधी के लेख पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का जवाब, कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार 1975 में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टडीज डिवीजन की चीफ ले ने कहा कि भारत की विकास दर जो 2022 में 6.8 है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में उज्ज्वल स्थानों में से एक है। रूस में फटा ज्वालामुखी, आसमान में छाए धुएं का गुब्बारा, तो वहीं 20 किलोमीटर ऊपर उठा धुआं। गहलोत कैबिनेट की बैठक आरसीएमआर में, करीब 12:45 बजे होगी बैठक। कैबिनेट के बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। जोटवाड़ा थाना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय स्वास्थ्य ठग सुरेश तिवारी गिरफ्तार। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना पुलिस ने कार से 120 किलो जोड़ा पोस्त किया बरामद, कार्रवाई के दौरान भागा तस्कर। बारा में शिपा बड़ोद कस्बे में चोरों की चांदी, फिर हनुमान चौराहे स्थित दुकान से ले उड़े बैग, बैग में रखा हुआ था 110 ग्राम सोना। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने आज एक लूट और चोर गिरोह का खुलासा किया, मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। झुंझुनू के पलानी में यूपी के युवक को बंधक बनाकर की मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अलवर के कोटकासी में गेहूं की फसल निकालते वक्त एक युवक का हाथ थ्रेसर में आ गया, जिससे युवक की हुई मौत। अलवर के मालाखेड़ा सरकारी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत, शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जोधपुर के लोहावट विद्युत लाइन टूटने से 2 खेतों की बाड़े में आग लग गई, 35 से 40 ढाणियों की तार बंदी में भी फैला करंट, डेस्कॉम ने सूचना मिलने पर विद्युत आपूर्ति करवाई बंद। पाली के रोके धाम बाइक सवार दंपति को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार दंपति हुए घायल। हनुमानगढ़ के चाहिया बस स्टैंड चौराहे पर कार की टक्कर से 10 वर्षीय बालक की हुई मौत, हादसे में कार सवार एक महिला भी हुई घायल। जयपुर के मानसरोवर के नारायण विहार में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उदयपुर के लसाड़िया में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की हुई मौत, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ में एक महिला का 3 वर्षीय पुत्र के साथ कुएं से मिला शव, वहीं शव के मिलने से इलाके में मची सनसनी। धौलपुर के बाड़ी में सेपो रोड पर सोना पत्तल फैक्ट्री पर मारा छापा, फैक्ट्री से 27 बाल मजदूरों को करवाया मुक्त। झुंझुनू के उदयपुर वाटी जड़ाया बस स्टैंड के पास सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रोली की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। करौली में चंबल नदी में मगरमच्छ ने किया पशुपालक पर हमला, अन्य पशुपालकों की सजगता से टल गया बड़ा हादसा। झालावाड़ के मनोहर थाना में जावर तिराहे पर शव को रखकर किया जा रहा प्रदर्शन, ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की हुई मौत। बांसवाड़ा के चुड़ियावास में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरते वक्त अचानक बाइक में लगी आग, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। सवाईमाधोपुर की बोली में 2 पक्षों में हुए पुलिस संघर्ष में 3 लोग हुए घायल, घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। ट्विटर के ब्लू टिक वाले यूजर्स के अकाउंट से ब्लू टिक का हटना होगा शुरू, एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। धोनी एंटरटेनमेंट बैनर की फिल्म एलजीएम का पोस्टर आउट, महेंद्र सिंह धोनी ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, फील गुड फैमिली एंटरटेनर के लिए तैयार हो जाइए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने सीजन की पहली जीत की दर्ज, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया, जीत के मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल पर 8वें नंबर पर।